मित्रों, दोस्तों और हमारे परम आदरणीय महानुभावों, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वह है हस्त मैथुन के ऊपर और मास्टरबेशन के ऊपर। आप देखेंगे कि हम पिछले 17 से 18 साल से ये न्यूरोथेरेपी में कार्यरत हैं और कई लाख पेट रोगी देख चुके हैं। उन पेट रोगियों में 80% पेट रोगी मास्टिवेशन के शिकार होते हैं या मास्टिवेशन के कारण उनका पेट खराब होता है। 20% पेट रोगी जो लिविंग स्टैंडर्ड या जिम के कारण खराब होकर आते हैं हमारे पास से ज्यादा वजन उठाने के कारण, जो 18 या 17 साल से 30 या 32 साल तक के जो बच्चे हैं उनमें ज्यादातर कमी रहती है तो वह मास्टिवेशन करते हैं या हस्त मैथुन करते हैं, जिसके कारण उनको भयंकर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। आप ध्यान से देखिए, हम जो बोल रहे हैं या जो हम कह रहे हैं वो आपके जीवन का एक प्रैक्टिकल आपको बता रहे हैं। हम अपने 17 साल का एक्सपीरियंस आपको बता रहे हैं कि हमने क्या क्या जीवन में देखा, क्या हमने रिसर्च करी और क्या आपको हमारे द्वारा फायदा होने वाला है। बहुत सारी हम डाइट, बहुत सारी चीजें, पॉइंट्स हमने हजारों चीजें आपको दी हैं, वो आप अपने जीवन को उतारिए। सर्वप्रथम आप अपनी जिंदगी को सुधारिए और पॉजिटिव बनिए। आप देखेंगे कि एक व्यक्ति लंबे समय तक मास्टरबेशन करता है, हस्त मैथुन करता है, तो वो व्यक्ति सबसे पहले सीवियर डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, भयंकर डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा और वह एकदम अपने आप को अकेला और असहाय महसूस करेगा। ये पहला आपको लक्षण बता रहा हूं, आपको मास्टरबेशन का साइड इफेक्ट बता रहा हूं। दूसरे में उस व्यक्ति को नले और नाभि की समस्या हो जाएगी, उसको पेट कड़क हो जाएगा, पेट चिपका हुआ हो जाएगा, मसल्स वीक हो जाएंगी और आंतड़ियां एकदम कमजोर हो जाएंगी। तीसरा, उस व्यक्ति के पेट की मसल्स कमजोर हो जाएंगी और वह काम, पेट जो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका, वो काम कम करेगा। उसको दिक्कत महसूस होगी, गैस बनेगी, एसिडिटी बनेगी, बहुत सारी उसको कब्ज हो जाएगी, उसको आईबीएस हो जाएगा, उसको बहुत सारे शिकार, मतलब वो कई सारे पेट रोगों का शिकार हो जाएगा। चौथा, ऐसा व्यक्ति जो चौथा ये मास्टरबेशन करता है तो चौथे में ऐसा आप देखेंगे कि उस व्यक्ति के शरीर में गड्ढे पड़ जाएंगे। आपने देखा होगा कि मास्टरबेशन करने वाले व्यक्ति की आंखें आप देखेंगे तो आंखें धसी हुई मिलेंगी, इतनी इतनी अंदर चली जाएंगी, कंधों में गड्ढे पड़ जाएंगे, हिप्स में गड्ढे पड़ जाएंगे, पेट चिपक जाएगा, छाती उसकी अंदर चली जाएगी, गड्ढे पड़ जाएंगे उस व्यक्ति को। पांचवा, छठवा, उस व्यक्ति की आंखों पर भयंकर असर पड़ेगा, आंखों की रोशनी कमजोर हो जाएगी, आंखों की बीमारी लग जाएगी। छठवा, ऐसा व्यक्ति जो ज्यादा मास्टरबेशन करता है, ऐसे व्यक्ति के शरीर में हॉर्मोन्स इम्बैलेंस हो जाएंगे, हॉर्मोन्स इम्बैलेंस हो जाएंगे और आप देखेंगे कि उसके शरीर में जहां बाल नहीं उगने चाहिए ऐसी जगहों पे बाल उग जाएंगे, जिसे हम बोलते हैं अनवांटेड हेयर ग्रोथ। उसके व्यक्ति के शरीर में जहां बाल नहीं होने चाहिए ऐसी जगहों पर बाल हो जाएंगे। सातवें में है कि व्यक्ति का जो लिंग है वो छोटा हो जाएगा और वो टेढ़ा हो जाएगा। और आठवां, जो सबसे महत्वपूर्ण है, कि भविष्य में चलकर उसके सेक्स की इच्छा बिल्कुल खत्म हो जाएगी, बिल्कुल इच्छा खत्म हो जाएगी। नौवां, वो नौवां जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, कि उसका जो दैनिक दिनचर्या है वो बिल्कुल बिल्कुल खराब हो जाएगी, गड़बड़ा जाएगी और वह बहुत ज्यादा अपने आप को परेशान महसूस करेगा। दसवें में आप देखेंगे तो उस व्यक्ति को जो एक लिमिट से ज्यादा व्यक्ति मास्टरबेशन करता है तो उसको प्रोस्टेट का कैंसर होने के चांस रहते हैं। और ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि कई लोगों को, हस्त मैथुन वालों को, प्रोस्टेट का कैंसर हो जाता है। अब आप आगे आ जाओ कि ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा मास्टरबेशन करते हैं वो भयंकर नकारात्मक विचारों के धनी बन जाते हैं और उनके अंदर से हर समय नकारात्मक विचार उत्पन्न होते रहते हैं। पांचवा, उसका परिवार, उसकी फैमिली बिल्कुल तबाह हो जाएगी और वो कभी भी परिवार के लिए काम नहीं कर पाएगा और कभी भी अपनी फैमिली को सुख और सुविधा नहीं दे पाएगा। मास्टरबेशन एक ऐसी चीज है कि इसके जो साइड इफेक्ट है वो बहुत भयंकर भयानक होते हैं। मास्टरबेशन आप हफ्ते में 15 दिन में एक बार करते हैं चलता है, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा मास्टरबेशन करने वाले व्यक्ति
हमेशा दुखी रहते हैं और वो सुरक्षित नहीं रहते, स्वस्थ नहीं रहते, क्योंकि जो उनकी इम्यूनिटी पावर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, एकदम खत्म हो जाती है। आप देखेंगे कि ज्यादा मास्टरबेशन करने वाले व्यक्ति की एनर्जी बिल्कुल लॉस हो जाती है, खत्म हो जाती है, वो व्यक्ति ताकतवर नहीं रहता और वो एकदम कमजोर, बिल्कुल जिसे बोलते हैं ना कमजोरी का शिकार बन जाता है। उसके अंदर भयंकर थकान रहती है और वो व्यक्ति कहीं चलेगा फिरेगा दौड़ेगा तो उसकी सांस फूल जाएगी, उसका खाना जो है जल्दी हजम नहीं होगा, और उस सबसे बड़ी बात कि वो व्यक्ति छोटी छोटी चीजों पे, छोटी छोटी जैसे कहीं बारिश में भीग गया, कहीं ज्यादा काम कर लिया, कहीं ज्यादा सो नहीं पाया, तो वो व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हो जाएगा। हस्तमैथुन आज के समय में एक लिमिट से ज्यादा जो कर रहे हैं लोग, उसका सबसे बड़ा कारण है यह मोबाइल, क्योंकि यह मोबाइल ही उसको आज गलत विचारों की तरफ लेके जा रहा है, गलत संगत की तरफ लेके जा रहा है। अगर आपको हस्तमैथुन छोड़ना है तो अपने आप को मेडिटेशन कराइए, अपने आप की सेल्फ काउंसलिंग कीजिए, और सबसे बड़ी बात कि अपनी जो सोच है उसको बिल्कुल चेंज कर दीजिए, बिजी रहना स्टार्ट कर दीजिए, लोगों के बीच में रहना स्टार्ट कर दीजिए, मोबाइल का उपयोग कम कर दीजिए, ऐसी साइट्स आप जो गलत देखते हो वो बिल्कुल ब्लॉक कर दीजिए, परिवार के साथ टाइम बिताना स्टार्ट कर दीजिए, आपके छोटे बच्चे तो उनको टाइम देना स्टार्ट कर दीजिए, बाथरूम के अंदर बिल्कुल टाइम आप नहीं दोगे, जो आधा आधा घंटा एक घंटा बाथरूम के अंदर मोबाइल ले जाकर टाइम देते हो, और सबसे बड़ी बात कि मोबाइल का इंटरनेट पैक आप महीना चार महीना छः महीना साल भर के लिए बिल्कुल भी मत चलाओ, वो बंद कर दीजिए, सिर्फ कॉलिंग कीजिए, सिर्फ कॉलिंग कीजिए। अगर आप हस्तमैथुन करना नहीं छोड़ेंगे तो आप समझिए आपकी लाइफ में बहुत चांसेस ऐसे आएंगे कि आप देखेंगे कि आपके बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं डगमगा जाएंगी, और कई बार आपको ऐसा लगेगा कि अब हम हमारी जिंदगी में कुछ नहीं है, हमें कुछ मिल नहीं पा रहा, और हम कहीं जाने के लिए सुरक्षित नहीं है, हम कुछ करने के लिए सुरक्षित नहीं है। मैं अपनी जिंदगी का आपको एक्सपीरियंस दे रहा हूँ कि हमारे यहाँ ज्यादातर व्यक्ति जो पेट रोगी आते हैं वह 80% पेट रोगी, 80% पेट रोगी हस्तमैथुन का शिकार होते हैं, ज्यादा हस्तमैथुन के कारण ही उनके शरीर में पेट रोग उत्पन्न होता है और मानसिक रोग भी उनको उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि मानसिक रोग अगर उत्पन्न हो गया तो पेट रोग का कभी भी ठीक नहीं होगा, अगर वो पेट रोगी ही बने रहे तो ठीक हो जाएंगे। तो फिर मैं आपको कहता हूं कि जो आपका जो मास्टरबेशन है या जो आपकी ये हस्तमैथुन की जो ये दिनचर्या है इसको बिल्कुल खत्म कर दीजिए, अच्छे व्यक्ति बनिए, सुरक्षित व्यक्ति बनिए, स्वस्थ व्यक्ति बनिए। आप अपनी जिंदगी में तीन चीजें अपना लीजिए, मस्त, व्यस्त और स्वस्थ। इन तीन चीजों को अपना लेंगे तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। कई बार हमने ऐसा देखा है कि मतलब हस्तमैथुन वालों को, जो हस्तमैथुन करते हैं उनको मुठ्ठल बोला जाता है, उनको बोला जाता है ये मुठ्ठलों का सरदार है, ये मुठ्ठल है। तो कृपया आप ऐसी संगति में ना आए कि आपको कोई मुठ्ठल बोले या गलत शब्दों के साथ आपको उच्चारण करे, आप उस संगति से निकल जाइए। नमस्कार।